नमस्कार, मैं सरेश मौर्य आप सभी का जस्टिन ट्रांसलेशन में स्वागत करता हूँ। आप लोग पढ़े मैथमेटिक्स और आज मैथमेटिक्स में हम लोग जानेंगे वर्गमूल का जोड़, यानी जो अंडर रूट होते हैं उनका जोड़। ठीक है, तो जैसे अगर आपको अंडर रूट 900, अंडर रूट 0.09, अंडर रूट 0.00009, ऐसे अगर आपको दे दिया जाए इसका जोड़ कितना होगा, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एकदम सिंपल है। 900 का वर्गमूल, 900 का वर्गमूल होता है, अंडर रूट 900 बराबर होता है 30। ठीक है, इसका बात करें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.09 ऊपर नीचे 100 से, क्योंकि दो अंक है इसलिए 100 से गुणा भाग करेंगे। ठीक, इसी वक्त इसको भी कर लेते हैं, ये अंडर रूट है 0.00009। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 6 जीरो वाले से यानी हम 1,000,000 से गुणा भाग करेंगे। ठीक है, 1,000,000 / 10,000,000। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया 30 और ये हो गया, दशमलव हट गया। ठीक है, दशमलव हट गया, ये हो गया 9/100। ठीक है, ये पूरा है, फिर ये हो जाएगा, इसका भी दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 9/1,000,000। ठीक, इस प्रकार हो गया। अब ये हो गया 30 और ये हो गया 3/3, ये हो गया 10, अब ये हो गया 3/3, हो गया 1,000। ठीक है, 1,000 हो गया, क्योंकि वो जो होता है 1,000 का वर्ग 10,000, 10,00,000 ऐसे 10 का वर्ग यानी उसका दुगना हो जाता है, जितना जीरो रहता है उसका दुगना हो जाता है। तो ये हो जाएगा 30 + ये हो गया 10 है यानी 1.0, और ये हो गया 3.0, 1, 2, 3। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 30.303। इस प्रकार हम लोग इसको निकाल सकते हैं, 30.303। समझ में आया, एकदम बाकायदे लगाएगा, ये कैलकुलेशन बहुत ही तेज गति से आपको करना होगा, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा समय नहीं रहता है, तो इस प्रकार हम लोग इसको निकाल सकते हैं बहुत तेज गति से। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जैसे देख लिया जाए, यदि अंडर रूट एक्स भागा अंडर रूट 144 बराबर 0.02 हो, तो एक्स बराबर कितना होगा, यानी हमको यहाँ पर एक्स का मान निकालना है। तो भाग का मतलब बटे, यानी हो गया अंडर रूट एक्स / अंडर रूट 144 / 0.02। ठीक है, उसके बाद ये तो एक्स का हमको मान बताना है। अब देखिए अंडर रूट 144 होता है 12 का, ठीक है, अंडर रूट 144 होता है 12, यानी 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 144 का वर्गमूल होता है 12। तो इतने की जगह पे हम लोग 12 लिख सकते हैं। ठीक है, इतने की जगह पे हम लोग 12 लिख सकते हैं, तो हो गया अंडर रूट एक्स / 12 / 0.02। अब इसका यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स / ठीक है, तो ये यहाँ पर जब गुणा होगा इसका, तो 12 × 24। ठीक है, अब देखिए दो अंक पे दशमलव है यानी 2 अंक पे दशमलव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो गया अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बराबर 0.02
24 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, x बराबर आ गया 24 का स्क्वायर, यानी 1764। 1764, अब देखिए इतना तो ये तो 24 का वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर अगर इसका वर्ग 24 का वर्ग करेंगे तो 1764, तो ये दशमलव जो है चार अंक खिसकेगा, यानी इतना हो जाएगा, यानी x बराबर इतना आंसर होगा। ठीक है, और जैसे तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंडर रूट में 1 प्लस x बटे 124 बराबर 13/12 हो तो x का मान बताइए। ठीक है, यानी अंडर रूट 1 प्लस x बाई 144 इज इक्वल टू 13/12, सो फाइंड आउट x का मान। ठीक है, ऐसे अगर पूछ रहा है तो इसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो ये हो जाएगा, अब ऐसे दिया यानी इन दोनों अंडर रूट को हटाने के लिए, x का मान लाने के लिए हम लोग इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर चढ़ेगा इधर भी स्क्वायर, यानी ऐसे हो जाएगा, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट गया। ठीक है, लेकिन उस स्क्वायर से कुछ नहीं कटेगा, तो हो गया 1 प्लस एक्स बाई 144 इज इक्वल, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो 4 ये जो है इसको यहाँ पर ऐड करके फिर इससे कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया 144 प्लस एक्स बाई 144 प्लस 169 144, तो ये देखिए नीचे नीचे बराबर है इसलिए कट गया, तो ऊपर का बात करें तो x और इधर ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144, तो ये हो जाएगा x बराबर 52 यानी 25, x का मान 25, इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, ऑल ऑफ यू, आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं।